जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पासा। तो पासा पासा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा। तो एक छोटा सा बस इतना याद रखिए कि मानक पासा यानी इसमें ऐसे दो निकटवर्ती जो सतह होते हैं, ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग साथ नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे देखो पासे में टोटल कितने होते हैं, छह फलक होते हैं, यानी आपको छह साइड दिए, लेकिन दिखाई कितना पड़ता है, तीन साइड दिखाई पड़ता है। तो तीन साइड यानी कि देखो पहला दूसरा तीसरा, तो जो इनका योग होगा यानी निकटवर्ती, लेकिन कितने है, दो का, जैसे एक और पांच का योग छह हो गया, ठीक। पांच और चार का योग कितना हो गया, नौ हो गया। चार और एक का योग पांच हो गया, सात नहीं बना ना। तो जब सात योग नहीं बना तो सात हम लोग को क्या करना है, लाना है, ठीक है। तो यानी जैसे देखो इसी पासे में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे चार के विपरीत क्या होगा। तो पहले देखो कि ये मानक पासा के समान तो है कौन सा, मानक पासा, क्योंकि योग इसका किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग साथ नहीं आ रहा। तो अगर पूछा है कि चार, तो चार के विपरीत कौन सा फल होगा, तो सात नहीं है तो सात लाना है। तो चार और प्लस कितना कर देंगे हम लोग, तीन करेंगे तभी तो सात होगा। तो हम लोग का उत्तर कितना हो जाएगा, तीन होगा। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत ही आसान है। जैसे दिया है प्रश्न के आधार पर सात लाना, ठीक है। तो एक के विपरीत पूछा है कि एक के विपरीत क्या होगा, तो इसी फलक से ही तो पूछा है ना, यही सवाल है। तो यानी इसमें दिया गया है कितना दिया गया है, एक है, चार है और पांच है। तो इनका पूछा गया है कि एक के विपरीत क्या होगा, तो सात तो है नहीं, इन दो निकटवर्ती सतहों का योग तो सात नहीं आ रहा, ठीक। तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या मतलब एक के विपरीत संख्या क्या होगी, यही तो पूछा गया है। तो एक में क्या जोड़ा जाए कि सात बन जाए, तो छः तो जोड़ेंगे, ठीक। तो हम लोग का उत्तर छः सही हो जाएगा, ठीक है। मानक पासा से हम लोग को सवाल देख लेते हैं। तो मानक पासा यानी मानक पासा नीचे दिए गए पासे में अंक पाँच के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इन दो फल को देखो जोड़ो, पहले दो फलक है, एक और चार का योग पाँच आ रहा है, सात नहीं बन रहा है। चार और दो का योग कितना हो रहा है, छः हो रहा है, तब भी सात नहीं बनना है। दो और एक का योग करेंगे तब भी कितना बनना है, तीन बनना है, सात नहीं बनना। तो इससे हम लोग को क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये है हम लोग का मानक पासा। तो मानक पासा तो ये आसान हो गया सवाल। फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखा है अंक पाँच के विपरीत, तो पाँच में क्या जोड़ा जाए कि वो सात बन जाए, ठीक। तो कितना जोड़ेंगे हम लोग, प्लस दो ही तो करेंगे, तो हम लोग का उत्तर दो सही होगा। अभी इसी से रिलेटेड आगे और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे जो सवाल है, लिखा है नीचे दिए गए पासे में अंक चार के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो पहला नंबर हम लोग को यही चेक करना है कि जो फलक यानी जो हम लोग को पासे दिए गए हैं, इनके दो निकटवर्ती मतलब जो हम लोग को प्रदर्शित हो रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके अगल बगल ऐसे जोड़ के इसको चेक कर लीजिए कि कहीं सात तो नहीं आ रहा है। अगर सात आएगा तो ये सामान्य पासे में जाएगा, अगर सात नहीं आ रहा है तो मानक पासा, और मानक पासा है तो ये हम लोग को आसानी से लग जाएगा। तो एक और प्लस चार किए तो कितना हो गया, पाँच। चार प्लस पाँच किए तो कितना हो गया, नौ। चार प्लस एक किए तो कितना हो गया, पाँच। एक प्लस दो किए तो तीन हो गया, दो प्लस चार किए तो छः हो गया, कुल मिला के सात हम लोग का नहीं आ रहा है। तो इससे ये क्लियर होगा कि ये हम लोग का क्या है, मानक पासा है। तो जब मानक पासा है, मानक पासा को हम लोग आसानी से निकालेंगे। तो पूछा है अंक चार के विपरीत फलक पर कौन सी अंक होगा, तो अब इससे क्लियर होगा कि ये हम लोग का क्या है, मानक पासा है। तो फिर चार में कितना ऐड कर दे कि सात हो जाए, कितना ऐड करेंगे हम लोग, तीन ही तो ऐड करेंगे तभी तो सात। मानक पासे में सात लाना है, ठीक है, जो उसकी विपरीत सतह पर होगा, तो उन दोनों का जो योग होगा वो सात के कितना हो, बराबर होगा, ठीक है। तो चार है तो चार के विपरीत क्या होगा, तीन होगा, ठीक। तो हमारा उत्तर तीन सही। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल में है नीचे दिए गए पासे में अंक दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो पहले हम लोग को क्या चेक करना है कि मानक पासा है या सामान्य पासा है, यही तो हम लोग को चेक करना रहता है ना। तो पहले देखो एक और पाँच का योग छः हो रहा है, एक चार का योग पाँच हो रहा है, छः पाँच का योग कितना हो रहा है, ग्यारह हो रहा है। फिर छः चार का योग कितना हो रहा है, दस हो रहा है, यानी नहीं बनना। फिर चार एक का योग किया तो पाँच हो गया, चार दो का योग किया तो कितना हो गया, छः हो गया, नहीं बनना। पाँच छः का योग किया ग्यारह हो गया, पाँच तीन का योग किया आठ हो गया, छः तीन का योग किया तो कितना हो गया, नौ हो गया। हाँ इसमें एक बात और ध्यान रखिए, इसमें ये मतलब नहीं है कि जैसे हम लोग ऐसे जोड़े ऐसे ऐसे जोड़े, ऐसा कोई मतलब नहीं। इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम किसी भी दो सतह को लेना, चाहे इसको इसको योग कर लें, चाहे इसका और इसका योग कर लें, इसका योग कर लें। तो एक बार सबको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल आपका आसान, जैसे आपको पता चला कि मानक पास है तो सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो पूछा गया है दो के विपरीत,
दो के विपरीत क्या होगा? तो हम लोग से यही तो पूछा गया, दो के विपरीत कौन सा फलक होगा? तो देखो, दो के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो हम लोग को ये क्लियर हो गया कि दो के विपरीत कितना होगा, यानी हम लोग कितना दो में जोड़ दें कि उत्तर कितना हो जाए, 7 हो जाइए। ठीक, तो दो में कितना जोड़ें हम लोग? 4 ही तो जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6, यानी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो करेंगे प्लस कितना कर देंगे, 5, तब ये हो जाएगा 7। अब समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये आसान है। तो इसमें कितना जोड़ दिया हम लोग, 5, तो हम लोग का उत्तर कितना है? ए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सामान्य पासा। तो सामान्य पासा जो है, ऐसा पासा जिसका कोई भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। देख लो, अब इसमें 7 आ ही जाएगा, 2 + 5 किया तो कितना हो गया, 7 हो गया ना, तुरंत पता चल गया। तो इसमें क्या बनता है, इसमें संभावनाएं बनती हैं। अब संभावनाएं है कैसे बनती हैं, ये देखो। जैसे है कि मान लो, अब इनका योग किया तो ये 7 हो गया, तो ये सीधे कितने हो गए, सामान्य पासे में हो गए। तो सामान्य पासे में, तो मान लो जैसे इसमें पूछा जाए दो के विपरीत सतह पर क्या होगा, ठीक है, यही अगर पूछा जाए आपसे, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 2 है, 4 है और 5 है। ठीक, तो जब संभावना बनाई जाती है, तो अगर पूछा जाए कि दो, तो दो के विपरीत क्या होगा, तो जो संख्या, देखो टोटल फलक में कितने होते हैं, ऐसे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही संख्या तो होती है। ठीक है, 6 संख्या होती है, तो इसमें जो दिया रहता है उसको नहीं लिखा जाता। जैसे देखो, दो के विपरीत अगर पूछा गया है, तो इसमें देखो 4 और 5 दिया है ना, तो 4 और 5 को क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। मतलब जो भी जो बगल की सतह होती हैं, निकटवर्ती सतह, इनकी संख्याओं को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो 4 को छोड़ दिया हम लोगों ने, 5 को, तो बचा कितना, 6 बचा, 3 बचा। ठीक, 2 तो होगा नहीं, ठीक, क्योंकि इसी के विपरीत हम लोग से पूछा और 1 बचा। तो इसका उत्तर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक, और 6 भी हो सकता है। अब समझ में आया आपको संभावना कैसे बनती है? ठीक है, तो जब आपको पासे के सवाल दिया जाए, तो सबसे पहले आप चेक करिए कि वो क्या है, मानक पासा है या सामान्य पासा है। मानक पासा तो आपको बस जोड़ जोड़ के बस संख्या लिख देनी है, और सामान्य पासे में आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे सामान्य पासा। ठीक है, अब सामान्य पासा के कुछ सवाल लगा दें। जैसे लिखा है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, ठीक है, तो जो पहले चेक करो कि ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो 5 और 1 6 नहीं बनना है, ठीक, 6 + 1 कितना, 7, 6 + 1 कितना हो गया, 7। यानी इससे जब ये 7 बन गया, तो इससे हम लोग को क्लियर हो गया कि कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। तो जब हम लोग को पता चल गया कि ये सामान्य पासा है, तो ये इसमें क्या क्या लगेगा, संभावना है। तो संभावना कैसे निकाला जाएगा, देखो संभावना निकालने के लिए क्या करा जाएगा, जैसे ये संख्याएं दी गई हैं, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत, तो दो निकटवर्ती संख्याएं हैं, जैसे देखो 5, देखो टोटल कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमसे पूछा है 6 के विपरीत, तो पहले हम लोग 6 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, तो 6 तो पहले क्लियर हो गया, इसके विपरीत पूछा है तो ये तो लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद देखो, इसके निकटवर्ती संख्या कौन सी है, पहला है 5, तो 5 तो लिखा नहीं जाएगा भाई, निकटवर्ती संख्या नहीं लिखी जाएंगी, वो अपोजिट हो ही नहीं सकता। उसके बाद है 1, तो 1 भी नहीं लिखा जाएगा। तो बची कितनी संख्या है, बचा 2, 3 और 4। तो 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अब समझ में आया? अब ऐसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसमें दिया है, नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें पासों की संख्या कितनी दी गई है, 2 दी गई है, एक ये पासा है, एक ये पासा है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे मानक पासा या सामान्य पासा। तो 4 3 7 है, सीधे हम लोग को दिख रहा है, ठीक दिख रहा है ना। तो जब 1 हो गया, तब तो चलो क्लियर है, जब पता चल गया कि ये हम लोग का कौन सा सामान्य पासा है, तो किस तरह इसको हल करेंगे, देखो पहले पासे की संख्या हम लोग लिखेंगे। तो पहले पासे में देखो क्या है, 4 5 3 है, तो इसको हम लोग सीरियल वाइज से लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे 3 5, उसके बाद 4, देखो 3 5 4 लिख लिया ना। उसके बाद देखो एक चीज़ इसमें, देखो इसमें एक संख्या यहाँ कामन है, तो यहाँ ये भी तो कामन है, देखो 3 दिखा है ना। तो क्या करेंगे, ऐसे इसको आप इस तरह से, मतलब क्लास, देखो
इसको क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। बस ये चीज़ है कि अगर इस पास में देखो, जैसे पहला ये पास या पहला पास, अगर इसको क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो इसको भी क्लॉकवाइज लिखें, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज लिखें। बस इतने ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। तो पहले क्या उतारा हम लोगों ने, तीन लिखा ना। तो यहाँ से देखो, ये तीन और ये तीन कॉमन है ना, तो देखो इधर से हम लोग कहाँ, इससे तो चल रहे हैं, तीन लिखा फिर पाँच लिखा फिर चार लिखा। तो देखो पहले तीन पाँच और चार ये लिख लिया ना, तो सेम इसी में भी ऐसे करना, तीन लिखेंगे ठीक। तो तीन देखो कॉमन है ना, एक चीज़ नोटिस करो, इसमें तीन भी कॉमन है ठीक, पाँच भी कॉमन है, दो सतहें कॉमन हो गई ना। जब दो सतहें कॉमन हो गई तो जो लास्ट वाली सतह होगी यानी एक, तो एक के विपरीत क्या होगा, चार होगा, या चार के विपरीत एक ही होगा। देखो दो कॉमन हो गया, तीन से तीन कट गया, पाँच से पाँच कट गया, तो बचा कितना, एक और चार, तो एक के विपरीत चार और या चार के विपरीत एक होगा। तो हम लोग से पूछा नीचे दिए पास में चार के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो कौन सा अंक होगा, चार के विपरीत एक होगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, ओके। तो अंक छः के विपरीत सतह पर फलक में कौन सा संख्या होगा, पहला काम करना करना क्या है, पहले हम लोग को चेक करना मास मानक पासा या सामान्य पासा, ये तो चेक करना ठीक है, मानक पासा या सामान्य पासा ये चेक करना है। उसके बाद हम लोग को सवाल को लगा लेंगे, जैसे दिखा चार तीन सात, ये तो हो गया, तो हम लोग को तो क्लियर हो गया कि ये सामान्य पासा है ठीक। तो इसको लगाएंगे कैसे, तो इसमें पूछा छः के विपरीत, तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा कॉमन किस पासे में मिल रहे हैं, तो हम लोग को पहले देखना है कि छः कहाँ पे, उसके बाद सबसे ज़्यादा कॉमन, तो छः यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है ठीक। तो इसमें देखो एक चीज़ नोटिस करो, पहला पासा और दूसरे पासे में ज़्यादातर संख्याएं कॉमन है, पाँच यहाँ पे है, पाँच यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे है ठीक। तो जो हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन लगाया था, बस उसी के आधार पर पाँच से ये पाँच कट जाएगा, तीन से तीन कट गया, कट गया का मतलब काटा नहीं है उसको, बस एक बता रहे हैं कि ऐसे हम लोग कर लेते हैं, जैसे पाँच लिखेंगे ठीक पहले पासे से, फिर तीन लिखेंगे ऐसे, फिर चार लिखेंगे, फिर इस पासे में आएंगे पहले पाँच लिखेंगे, पाँच के पाँच, फिर तीन लिखेंगे तीन, तो बचा कितना छः, तो चार के विपरीत कितना होगा छः। मान लो इसी संख्या को उलट दिया कि नहीं बताओ, छः के विपरीत ना बता के तुम चार के विपरीत बताओ, तो क्या करोगे तुम, पलट दोगे तुम भी, तो छः के विपरीत कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, या चार के विपरीत छः हो जाएगा ठीक है। तो हम लोग का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। इसके बाद हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें आपको केवल प्रैक्टिस करना है, जिसमें सतह, उसमें रंग, रंगों के आधार पर या अलग अलग प्रकार के उसमें क्वेश्चन आएंगे ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।